आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम चाइल्डहुड, जो कि क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड की किताब में है। और ये पोएम लिखी है मार्कस नटन ने। इसमें जो एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है, और फिर वो कंपेयर करता है कि जो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं और जो असलियत में पेरेंट्स खुद करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है, और किस तरीके से उसे अपने में चेंजेस नज़र आती हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता है, किस तरीके से वो चीज़ों को समझने लगता है कि पेरेंट्स हमें क्या सिखाते हैं और वो खुद कैसे किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो हमें देखना है उसमें। उसमें लिखा है, इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स डीपली ओवर द क्वेश्चन ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि जो बचपन चला गया है उसके बारे में वो बात करते हैं। चाइल्डहुड इज़ अ स्टेज ऑफ इनोसेंस, मासूमियत की स्टेज होती है चाइल्डहुड, इन विच चाइल्ड बिलीव्स अदर्स एंड लव्स अनकंडीशनल, क्योंकि चाइल्ड को जो आप बचपन से सिखाएंगे वो वही चीज़ फॉलो करता है, तो बिना किसी सवाल के वो वही चीज़ें फॉलो करता है जो पेरेंट्स उसे सिखाते हैं। तो यहाँ पर जब जैसे जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, तो उसको काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है कि जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं बिना किसी भी क्वेश्चन के, क्या वो चीज़ें सही है या नहीं। लेट्स सी, स्टैंजा वन देख लेते हैं। वेन डिड माई चाइल्ड हुड गो, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी एंड देयर फॉर कुड नॉट बी, वॉज दैट द डे। वो सवाल पूछता है अपने आप से कि मैंने अपना बचपन कब खोया, क्या तब जब मेरी 11 साल की उम्र को मैं पार कर चुका था, या जब मैंने ये रियलाइज़ किया था कि हेल और हेवन जो है वो असलियत में, मतलब वो किताबों में नहीं है, किसी भी ज्योग्राफी की किताब में हेल और हेवन के बारे में नहीं है, क्या तब मैंने अपना बचपन खोया था, या पॉसिबली शायद वही दिन होगा। मतलब वो अंदाज़ा लगाता है कि मेरा बचपन मैंने कब खो दिया। तो यहाँ पर वो सोचता है कि मेरा चाइल्डहुड, क्योंकि वो अब टीन एज बन रहा है, आफ्टर 11 तो टीन एज शुरू हो जाती है, तो वही कहता है कि व्हेन वाज द चाइल्डहुड लॉस्ट, व्हेन आई सीज टू बी 11, जब मेरी 11 साल की उम्र ख़त्म हो गई और मैं 12वें साल पे मेरी उम्र जा रही थी, तभी शायद मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया, या ये तब ख़त्म हुआ था जब मुझे हेल और हेवन के बारे में ज्योग्राफी की किसी किताब में नहीं मिला था, जब मैं उसको ढूंढने बैठा तो मुझे हेल और हेवन कहीं नहीं दिखाई दिया, क्या इन दोनों में से कोई ऐसा दिन था जब मैंने अपना बचपन खोया था। स्टैंजा टू में, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वॉज दैट द डे। फिर वो फिर से अपने आप से सवाल पूछता है कि मैंने अपना बचपन कब खोया, क्या तब जब मुझे ये पता चला, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, पेरेंट्स हमें सिखाते हैं सबसे प्यार करो, और वो प्यार के बारे में शिक्षा देते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, हमेशा प्यार से रहो, लेकिन वो लोग एक्चुअली वैसे हैं नहीं, क्या तब मैंने अपना बचपन खोया था, क्योंकि जो पेरेंट्स जो सिखा रहे हैं उस चीज़ को तो वो खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या ये वही दिन था जब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुई थी कि मेरे पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं बचपन से कि बेटा सबसे प्यार करो, सबसे प्यार से रहो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, लेकिन वो खुद इस तरीके की लाइफ नहीं फॉलो करते हैं, क्या ये वही दिन था जब मैंने अपना बचपन खो दिया। स्टैंजा थ्री में है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड टू यूज विच एवर वे आई चूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन, वॉज दैट द डे। फिर वो सवाल पूछता है कि मेरा बचपन कब खोया, क्या तब जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा दिमाग मेरा है और वो किसी के कहने पे नहीं, अपने डिसीशंस खुद ले सकता है, अपनी चॉइस खुद कर सकता है, और वो थॉट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है जो और लोग नहीं सोच सकते हैं, क्या ये तब का दिन था, क्या उसी दिन जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे थॉट्स मेरे हैं और किसी के नहीं, कोई मेरे ऊपर थोप नहीं सकता है अपने विचारों को, क्या ये तब का दिन था जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा बचपन
हो चुका है। स्टैंजा फोर कह रहा है, वेयर डिड माई चाइल्ड हुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स प्लेस, दैट्स ऑल आई नो। फिर वो एक सवाल अपने आप से पूछता है, मेरा बचपन कब खोया? मेरे ख्याल से मेरा बचपन वहाँ खो गया, ऐसी जगह पे खोया है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता है, और वो था एक छोटे बच्चे के मासूम चेहरे पे जो मासूमियत झलकती है, वहीं मेरा बचपन कहीं खो गया था। ठीक है, तो वो ये कहता है कि वो ऐसी जगह पे है जो मुझे याद भी नहीं है कि कहाँ मेरा वो बचपन चला गया है, क्योंकि किसी भी छोटे बच्चे की मासूमियत भरे चेहरे को जब मैं देखूं तब मुझे याद आएगा कि यही मेरा बचपन था जो खो चुका है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक छोटे बच्चे के चेहरे पे जो मासूमियत होती है, जिसमें वो अंधविश्वास करके चलता है कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे सिखा रहे हैं या जो मुझे बड़े लोग सिखा रहे हैं वही सही है, तो इसने ये रियलाइज़ किया कि शायद यहीं पर ही मेरा बचपन खो गया। तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म हो गई, जिसमें जो बच्चा है वो ये रियलाइज़ करता है कि जो पेरेंट्स हैं वो हिपोक्रेसी की लाइफ जीते हैं, यानी कि वो सिखाते तो बचपन से हमें अच्छी अच्छी बातें हैं कि बेटा झूठ ना बोलना, सबसे प्यार से रहना, किसी से भी नफरत मत करो, हमेशा प्यार से रहो, और जबकि वो खुद इस तरीके की लाइफ फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग दोगलेपन की लाइफ जी रहे हैं, तो शायद तभी मेरा बचपन खो गया। या जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेल और हेवन ज्योग्राफी की किताब में कहीं नहीं है, या जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे माइंड में जो थॉट्स हैं वो मेरे हैं, कोई और उन पर थोप नहीं सकता, मुझे पूरी आज़ादी है अपने बारे में सोचने का, अपने बारे में डिसीशन लेने का, शायद तभी मेरा बचपन खो गया। या फिर मेरा बचपन एक ऐसी जगह पे चला गया जो मुझे याद भी नहीं कि कौन सी जगह पे गया है, जब मैं किसी छोटे बच्चे के मासूम चेहरे को देखता हूँ तब मुझे ये लगता है कि शायद मेरा बचपन इसी मासूमियत में जाके कहीं खो गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हाईलाइट की गई हैं पोएम में वो ये है, इनोसेंस एंड ट्रस्टिंग द एल्डरली। पोएट ने ये हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जो बच्चे बहुत मासूम होते हैं, तो वो लोग बिना किसी भी सवाल के, बिना किसी भी बहस के अपने पेरेंट्स की हर बात को मानते हैं जो उन्हें बचपन से सिखाया जाता है, और हम भी वही फॉलो करते हैं कि जो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। लेकिन जैसे उनका बिहेवियर और लोगों के प्रति चेंज होता है जो पेरेंट्स का, तब हमें ये पता चलता है कि ये हिपोक्रेसी वाली लाइफ है, जिसमें वो हमें तो कुछ और दिखाते हैं और खुद कुछ और ही करते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा मासूमियत का एक सिंबल होता है, और एडल्ट जो हैं वो अगर किसी बच्चे के मासूम चेहरे को गौर से देखें तो उन्हें ये पता चलेगा कि हम भी कभी मासूम हुआ करते थे और हमारा भी बचपन ऐसे ही इसी तरीके के मासूम चेहरे में कहीं खो गया है। तो यहाँ पोएटिक डिवाइसेस में एक तो एलिटरेशन है, एलिटरेशन का मतलब ये हो गया कॉन्सनेंट जो बार बार रिपीट होते हैं एक लाइन में, जैसे है हेल एंड हेवन, इसमें एच एच जो कॉन्सनेंट है वो रिपीट हुआ है दोनों शब्दों में, सेम लाइन में रिपीट होना चाहिए। दूसरा है एंटीथेसिस, ये वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है ये बताता है कि जब दो ऑपोजिट कैरेक्टर साथ में रखे जाएँ, जैसे हेल एंड हेवन, जब दो चीज़ें साथ में रखी जाएँ जो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे की, तो वो क्या कहलाएगा, एंटीथेसिस। और है एंजैममेंट, एंजैममेंट में जब लगातार कंटिन्यूटी में सेंटेंसेस चलते रहें, उनमें कोई फुल स्टॉप कॉमा ना आए, अगली लाइन तक भी वो चलते रहें, तो ये हो गया एंजैममेंट, और ये हो गया एंटीथेसिस, और फिर एलिटरेशन। तो होप ये पोएम आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, जिसमें हमें बताया गया है कि एक बच्चे का जो बचपन है, उसकी मासूमियत है, वो किस तरीके से खो गई है। तो अगर ये पोएम आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो आप लोग लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।